ये भी 15, इसको हम ओवरऑल करेंगे, हम स्टार्ट करके दिखाते हैं कितना धुआं मार रही है। ये देखो चाबी ऑन ऑफ है, ऑन किया। इसको हाफ इंजन ओवरऑल करना है, खोलते हैं हम कैसे, क्या क्या डालेंगे, क्लच प्लेट, सिलेंडर ब्लॉक, वाल वाल सील सारे। चलिए शुरू करते हैं हम, अब इंजन खोलेंगे हम, यहाँ से शुरू करेंगे, कार्बोरेटर का ये खोलेंगे 8 नंबर का रिंच से, ये वाला देखो ये बोल्ट निकल गया। अब हम हेड का खोलेंगे, ये एयर वाला भी पाइप हम निकाल के साइड में रखेंगे जो कार्बोरेटर से होता है। रखो, खोले हेड। पहले ये टाइपर का दोनों 8 नंबर का हम लूज करेंगे क्योंकि बाद में खोलने में दिक्कत आसानी हो। इसको भी लूज कर दो, बस लूज रखो, इसको भी लूज कर दो, इधर का भी। अब हेड खोलो। 12 नंबर स्पिनर से आप लूज कर सकते हो, 12 का टी गोटी से, 12 का फोल से, किसी चीज़ से, इधर का भी। पाइप भी हम निकालेंगे, 12 आसानी हो जाएगा। देखो अब 8 का टी गोटी से लूज करेंगे, ये जो सारे हैं इसको और इसको, 8 का टी गोटी से, ये 5 की एलिंकी से इसको खोलो, 5 की एलिंकी से खोलेंगे ये 2 बोल्ट। देखो अब हाथ से भी खुल जाएगा, ये देखो सारा हाथ से लूज कर रहे हैं। अब एक ही बार निकाल लेंगे सब, सारे बोल्ट अब निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा, सब खुल गया। ये देखो निकालो उस साइड का, ये एल्युमिनियम का वासल संभाल कर रखना है 2। ये पेचकस के मदद से हेड उठाएंगे हम ऐसे, ये देखो उठाओ, ये इजी तरीका से आसान से निकल जाएगा। ये देखो हेड निकल गया इसका, टेंशन नहीं छोड़ो, अच्छा खोलते हैं। फिर स्लिप निकालेंगे, फिर चला से आराम से निकलेगा, खींचो। अब ये टेंशनर खोलेंगे, टेंशन एडजस्टर, ये भी खोल गया, टेंशनर भी हमने खोला, टाइमिंग चेन के हम भी उतार निकालो, क्या टाइमिंग चेन छोड़ देना। अब हेड उठाएंगे, अब उठाओ आराम से, ये देखो हेड उठाया, ये देखो क्या स्थिति हो गई हेड का, पिस्टन का भी स्थिति देखो कैसा है। निकालो, गाइड निकालेंगे, ये गाइड निकल गया ना, ब्लॉक उठाएंगे हम। अब ये देखो, ये रहा पिस्टन, ये रहा ब्लॉक, ये देखो पिस्टन, ये है, निकालो पिस्टन, ये पिस्टन रहा, ये देखो इंजन डाउन हो गया है, क्रैंक ठीक है, देखो क्रैंक में थोड़ा भी पले नहीं है, एकदम ठीक है। अब इसको क्लच प्लेट के लिए ढक्कन भी खोलेंगे, ये 8 की टी गोटी से सारे बोल्ट खोलेंगे, वो दिखाते हैं। ये देखो सारे बोल्ट खोल दिए, अब निकाल रहा है क्लच ढक्कन, खोल रहा है किक के समय निकला, ये देखो किक के समय से निकल गया किक रेचर का। अब इसको खोलेंगे क्लच, क्लच ढक्कन खोल रहा है क्लच में, देखो पूरा क्लच का वो खुल गया, इसको निकालेगा, रखो स्प्रिंग भी निकालो, स्प्रिंग अब निकालेंगे। अब 4 पुलर और गोटी से खोलेंगे, इसको उल्टा छुरी है इधर लगा लगा, ये यहाँ खुलेगा, खोलो दाहिना साइड, खोलो क्लच ढक्कन, खोल नट, खोल बोल्ट, खोलेंगे देखो आराम से खुलता है, उल्टा छुरी इसको भी होता है, BP 15 को भी आता है। ये देखो खोल गया, निकालो पूरा बार, इसमें 2 वाशल, हाँ 2 वाशल आता है इसमें, हाँ निकालो क्लच पूरा निकालो, हमें ये क्लच प्लेट रहा इसका, ये मॉडल आता है, होजिंग निकालेंगे हम, टाइमिंग चेन निकालो, देखो टाइमिंग चेन निकालेंगे,
देखो टाइमिंग चेंज निकल गया, वाल अब खोलो, ये वाल हाथ से मारेगा आराम से निकलेगा, देखो दोनों निकालो स्प्रिंग, वाल देखो ये वाल निकल गया, बस हाँ देखो वाल भी निकला, हम डालेंगे अभी 15 ग्राम ने हाफ इंजन खुला है दिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अब विक्रांता का कैसे खोलते हैं इंजन मैंने दिखाया था, भी 15 का भी पल्सर P150 का भी इंजन खोला है मैंने, वीडियो में लिंक देंगे हम, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, थैंक यू।